नमस्कार, इतना सौदा स्पेकल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पुण्यगिरी। अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ, कल भारतीय बाजारों के लिए आपको क्या ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, क्या नज़र बना के चलनी चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी हम इस शो में देते हैं। आप भी इस शो में अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको जो भी सवाल आपके पास है, आपको अपना नाम, शहर का नाम, ये तमाम जानकारी इटना स्वदेश के जो है आपको सोशल मीडिया पेज पर जाना है, वहाँ पर आपको इटना स्वदेश को फॉलो करना है। ट्विटर फेसबुक पर जाइए, KKT लिखिए, स्पेस दीजिए और अपना सवाल भेज दीजिए। इसके अलावा एक और बेहद आसान तरीका है, यूट्यूब पर जाइए, इटना स्वदेश को फॉलो कीजिए, कल की तैयारी शो को देखिए और फिर वहाँ कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और हमने देखा है कि बीते कुछ दिनों में काफ़ी दर्शकों ने सवाल भेजे और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों के जवाब लें और आपकी मदद करने की कोशिश करें अपनी जानकारों की मदद से। वैसे आज का बाज़ार देखें तो कहीं ना कहीं बाज़ार में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैं दो लेवल की बात करूँ, इससे आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा उतार चढ़ाव था। 21,724 का हाई, लो 21,517 का। सबसे अच्छी बात यह है कि 21,500 का हमने होल्ड किया। अगर ख़राब बात कर सकते तो 21,700 के ऊपर एक समय ट्रेड कर रहे थे, उसके ऊपर टिक नहीं पाए, 21,500 को होल्ड किया। लेकिन आज बैंक निफ्टी का मूड किसने ख़राब किया? बैंक निफ्टी ने ख़राब किया। हमने देखा कि सुबह जो है बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट थी, बाद में रिकवरी देखने को मिली निफ्टी की वजह से, लेकिन लास्ट के एक घंटे में खास तौर पे जिस तरीके से बैंकिंग शेयर में दबाव देखने को मिला, उसकी वजह से हमने देखा कि बैंक निफ्टी की तेज़ गिरावट देखने को मिली और ये दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ। एक समय बैंक निफ्टी 47,939 का हाई बनाया था और फाइनली 47,156 का इसने लो बनाया और कह सकते हैं कि लो के आसपास ही कमज़ोर होकर गिर के बंद हुआ है। कुछ स्टॉक्स देखे जिसमें आज के ट्रेड में गिरावट देखने को मिली, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स थे जिसमें दबाव देखने को मिला, जिसकी वजह से हमने देखा कि थोड़ा बाज़ार में दबाव बनता हुआ दिखा। लास्ट के आधे घंटे में आप देखें सीधे तौर पर जिस तरीके से हमने गिरावट देखी, खासतौर पर एक्सिस बैंक में, HDFC बैंक में, उसकी वजह से हमने गिरावट बनते हुए दिखी और इन स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। तो कम कह सकते हैं कि आज चूंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, उससे पहले थोड़ा सा जो है गिरावट देखने को लिए कुछ सेक्टर्स थे जिसमें कि आज के ट्रेड में थोड़ी खरीदारी थी। खास तौर पे फार्मा एक इंडेक्स था जिसमें खरीदारी थी, इसके अलावा रियल्टी एक इंडेक्स था जिसमें कि मजबूती देखने को मिली थी। तो अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स को हटा दें तो बाज़ार का मूड माहौल बहुत ख़राब नहीं था। चाहे ऑयल एंड गैस सेक्टर देखे, कंज्यूमर ड्यूरेबल देखे, उस समय खरीदारी देखने को थी। बैंकिंग स्टॉक्स ने ही कहीं ना कहीं बाज़ार का मूड माहौल ख़राब किया, उसकी वजह से दबाव देखने को मिला। तो कमोबेश ये कह सकते हैं कि एक मुनाफा वसूली का दौर है जो इस हफ्ते हमने देखा था, कल के सत्र में देखा, आज भी हमने देखा कि थोड़ी तेज़ी के बाद वापस से वही मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिल रहा है। अब अपने जानकारों से समझते हैं कि क्या यह सिर्फ मुनाफा वसूली का दौर है या हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। हमारे साथ राहुल घोष और शर्मिला जोशी जुड़ी हैं। शर्मिला और राहुल, आप दोनों को मेरा नमस्कार। शर्मिला काफ़ी दिनों के बाद जुड़ी हैं और जिस जगह जिस समय आप जुड़ी हैं ना, वो बेहद अहम है बाज़ार के लिहाज से। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और लगातार ये चिंता कि कहीं साल बाज़ार में थोड़ी गिरावट जनवरी में तो देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि लगातार ये चर्चा हो रही है, आपका क्या नज़रिया है? वेल यू नो ऑनेस्टली मेरे हिसाब से अगर मार्केट यहाँ से और थोड़ा करेक्ट भी होता है तो मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी शेयर्स खरीदने की, क्योंकि यस आई थिंक कि जिस तरह से हमने देखा कि मोमेंटम पिछले साल के सेकेंड हाफ में पिकअप हुआ, तो वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा तो लोग कॉशियस हो जाएंगे और वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। अर्निंग सीजन भी चालू हो रहा है, वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम द बजट, उसके साथ साथ इलेक्शन का साल भी है, तो थोड़ी तो चिंताएं आएंगी मार्केट में। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कल AUM डेटा आया, दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव साइन, जिस तरह से उसमें इक्विटी का SIP का पोर्शन पड़ा। और एक खास संकेत की उसमें हमने जिस तरह से देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ जिस तरह का पैसा आ रहा है, so if you really connect all the dots and add everything up, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चिंता करने की कोई बात है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप अपनी बाइंग लिस्ट तैयार रखिए और इस बार ये मत सोचिए, यानी ज्यादा सोच में समय मत बिताइए। When you get the opportunity, make sure that you start participating. सोचने की जरूरत नहीं है। और शो के आखिर में शर्मिला, मैं फिर आपसे जरूर पूछूंगा कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं गिरावट पर निवेश के मौके मिलते हैं और खरीदारी करनी चाहिए, जब मैं VIP स्टॉक्स की बात करूंगा। राहुल, कोई अहम लेवल बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आप? बिल्कुल, नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो कल के क्लोजिंग शो में भी मैं बताया था कि बैंक निफ्टी 48,000 के आसपास आपको फिर से शॉर्ट करना चाहिए जब बैंक निफ्टी 48,300 पे चल रहा था।
वो व्यू अभी भी इंटैक्ट है। फिर से अगर आपको एक बाउंस मिले बैंक निफ्टी को 48,000 47,900 की तरफ, फिर से शॉर्ट करना चाहिए। मार्केट का जो अपवर्ड मोमेंटम है वो पॉज हो चुका है, हो नहीं रहा है, हो चुका है ऑलरेडी। निफ्टी के केस में अगर आप देखेंगे 21,850 के पहले जितने भी बाउंसेस आए, हमारा रिकमेंडेशन है क्लियर सेल करना चाहिए। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, दैट इज 21,850 का स्टॉप लॉस रखे, सेल ऑन रैली टेक्सचर हो गया है निफ्टी का भी और दोनों बैंक निफ्टी का भी। ये रहा तो सीधे तौर पे कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा और दबाव देखने को मिल सकता है, राहुल ये मान के चल रहे हैं, लेकिन शर्मिला ये मानते हैं गिरावट को मौके के तौर पे लेना चाहिए आपको। गिरावट आए तो अच्छे शेयरों का एक बना के रखिए लिस्ट और उसमें आप खरीदारी के मौके ढूंढिए, उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। चूँकि शर्मिला काफ़ी दिनों के बाद आई हैं तो बिना देरी किए सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। और यूट्यूब पर देखिए काफ़ी भारी संख्या में अभी मैं देख रहा हूँ, कम से कम 120 123 लोगों ने जो सवाल भेजे हैं और इन तमाम लोगों ने सवाल कहे हैं कि मेरे तमाम सवालों के जवाब दीजिए, तो शर्मिला आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों के जवाब दो। और मैं तमाम दर्शकों को यही कहूँगा आप कल की तैयारी शो को देखिए और आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल तमाम भेज सकते हैं, यहाँ से हम आपके सवाल लेंगे बहुत आसान तरीके और फिर हम अपने जानकारों से जो है आपकी मुश्किलों को आसान करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते। पहला सवाल दिलीप कुमार का जोमेटो पर, उन्होंने सवाल पूछा है 170 शेयर के पास है 129 रुपए के भाव पे, पिछले साल का कह सकते हैं एक डार्क हॉर्स एक शेयर शर्मिला जिसमें हमने एक अच्छी रैली देखी 46 रुपए से चढ़ के ये शेयर जो है 135 36 के जून तक पहुंचा है, क्या राय होगी आपकी? मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए क्योंकि जो बबल था वो मेरे हिसाब से अब निकल गया है और उसके साथ-साथ वी आर सीइंग इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो उस पर भरोसा रखकर मुझे लगता है कि आपको इसमें बने रहना चाहिए। तो सीधे तौर पर जोमेटो में बने रहने की सलाह दिलीप जी आपके लिए। महेश शर्मा जी का सवाल है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 175 रुपए के भाव पे है, राहुल हमने देखा था बीते साल पीएसयू स्टॉक्स में एक शानदार तेजी देखने को मिली और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी एक ऐसा ही शेयर है, अप्रैल के आसपास एक बड़ी रैली की शुरुआत हुई थी, क्या राय होगी वापस इनका लक्ष्य मिल जाएगा 175 का? बिल्कुल मिल जाना चाहिए। एक्चुअली ये एक ऐसा स्टॉक है जो रेजिलिएंट रहा है, ये जो वॉलिटिलिटी हुआ है लास्ट कुछ दिनों से, तो होल्ड कर सकते हैं, 175 ज्यादा दूर नहीं है। एक स्टॉप लॉस दे देता हूं उनको। अच्छी बात यह है कि जो बाउंस आया है ना वो एक अच्छे बाय लेवल से 167 168 के पास में एक बाय लेवल था, वहां से एक बाउंस आया है और अगर दोबारा प्राइस उसी लेवल पे जाएगा तो फिर से एक बाउंस आ सकता है। तो स्टॉप लॉस जो है अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा दूर है 160 पे। द रीजन इतना दूर है स्टॉप लॉस इज बिकॉज जैसे मैंने कहा हाल ही में एक बाय जोन है, तो होल्ड करना चाहिए और एक स्टॉप लॉस 160 पे रख देना चाहिए। तो सीधे तौर पर महेश जी शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं आप और स्टॉप लॉस 160 के आसपास इसका बनता है। अविनाश जी का सवाल है बिहार से, जियो फाइनेंशियल 500 शेयर है 220 रुपये के भाव पे, क्या करना चाहिए? पिछले साल की एक लिस्टिंग शानदार कह सकते हैं, क्या राय होगी जियो फाइनेंशियल को लेके शर्मिला आपकी? और मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए, जैसे कि आपने अभी कहा कि एक पिछले साल की लिस्टिंग है तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको कि उनके किस तरह के प्लान्स हैं, वो किस तरह से आगे अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। दे हैव जस्ट इंडिकेटेड रिसेंटली कि उन्होंने एक एएमसी के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी में नहीं रहे और इस स्टॉक को कम से कम 2-3 साल दें और अभी के लिए बने रहे। अविनाश जी अगला जो सवाल है सूरज जी का है, टाटा मोटर्स पे सवाल पूछा है 100 शेयर 710 रुपए के भाव पे, पिछले साल टाटा ग्रुप्स के जिन शेयरों में एक शानदार रैली देखने को मिली उसमें एक टाटा मोटर्स भी था, कई सारी खबरें आई भी, इस साल बड़े ट्रिगर्स है ईवी सेगमेंट में कंपनी की नई लॉन्चेज हैं, क्या राय होगी टाटा मोटर्स को लेके राहुल आपकी? 702 उनका जो बाइंग प्राइस है वो एक्चुअली एक अच्छा प्राइस है। राहुल 710 प्रॉफिट में स्टॉप लॉस, सॉरी 710 उनका बाइंग प्राइस है। 710 का जो बाइंग प्राइस है वो एक अच्छा लेवल पे उन्होंने लिया है, तो 760 पे मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, जो उनका प्रॉफिट अभी भी इंटैक्ट रखेगा, एक 50 पॉइंट का प्रॉफिट फिर भी उनको मिलेगा और बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं है जो सजेस्ट करता है कि ये जो रैली पॉज होगा, साइडवेज अगर होता भी है मार्केट थोड़े से करेक्शन में फिर भी होल्ड कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कि वो थोड़े से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो होल्ड की सलाह मेरी तरफ से। तो होल्ड करने के सलाह हो टाटा मोटर्स पे, तो सूरज जी होल्ड करके चल सकते हैं। सुजीत का सवाल है साउथ इंडियन बैंक पे 1600 शेयर है 27 रुपये के भाव पे, पिछले साल पीएसयू स्टॉक्स पे हमने देखा था अच्छी रैली देखने को मिली, तमाम दूसरे प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स देखिए वहाँ भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली, अच्छी बात यह थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी थी, साउथ इंडियन बैंक को लेकर शर्मिला आपका क्या नजरिया? मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए इसमें, वैल्यूएशंस काफी ठीक लग रहे और एक 32-33 का टारगेट ध्यान में रखना चाहिए।
बने रहिए सुजीत जी, करीब 32-33 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। फखरुद्दीन अहमद जी का सवाल है, केपीआर मिल्स पे 170 शेयर उनके पास है 884 रुपये के भाव पे। राहुल क्या राय होगी केपीआर मिल्स? तो जो लेवल पे इन्होंने खरीदा है, अनफॉर्चुनेटली वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, बट ऑल इज नॉट लॉस्ट, क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी कम्प्लीटली डिसमे में नहीं लग रहा है। मैं सलाह यही दूंगा कि उनको होल्ड करना चाहिए, और कॉस्ट प्राइस के जितना करीब उनको मिल सके उनको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे या वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चार्ट स्ट्रक्चर उतना बेहतरीन नहीं लग रहा है। तो जितना पास उनको अपने एंट्री प्राइस का मिलता है, एक अपवर्ड ट्रेंड अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, एग्जिट कर देना चाहिए और दूसरे शेयर में निवेश करना चाहिए। तो सीधे तौर पर ये राय आती हुई फखरुद्दीन जी कि जैसे ही आपके बाइंग प्राइस के आसपास आता है शेयर से एक बार के लिए आप स्विच कर जाइए। सुभाष नाहर जी का सवाल है, जाइडस लाइफ को लेके 300 शेयर है 550 रुपये के भाव पर उन्होंने लिया है। शर्मिला लाइफ स्टाइल कह सकते हैं ना, कई सारे प्रोडक्ट हैं जिसको जाइडस लाइफ बनाती है, और हमने देखा कि पिछले साल कुछ ऐसे फार्मा कंपनियों के शेयर जिसने आउट परफॉर्म किया बाजार को, उसमें एक जाइडस लाइफ है। क्या राय होगी आपको इनको? अच्छा मुनाफा करीब हो रहा है, करीब 50,000 के आसपास का। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि स्टॉक के वैल्यूएशन काफी ठीक ठाक लग रहे हैं, अर्निंग्स भी काफी ठीक ठाक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि वो अभी के लिए बने रह सकते हैं। आई थिंक यू कैन लुक एट टारगेट्स क्लोजर टू 775 780। सुभाष जी शेयर को होल्ड कर रखिए, शर्मिला को आपको लगता है कि और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है तो अच्छी बात है, यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है। राहुल वर्मा जी का सवाल है, IEX पे 540 शेयर के पोर्टफोलियो में 167 रुपये के भाव पे, पिछले दिनों हमने देखा था तो कुछ खबरों के बाद शेयर में काफ़ी गिरावट आई थी, वापस से रिकवरी देखने को मिली जब ये शेयर 170 के जोन तक पहुँचा है, फिर गिरावट देखने को मिल रही है, क्या राय होगी IEX पे आपकी राहुल? मेरे ख्याल से जो IEX को होल्ड करना चाहिए, 162 का 167 है, बेग योर पार्डन का उनका एंट्री है, 162 पे प्राइस चल रहा है, 155 से लेके 162 का एक अच्छा जोन है जहां से बाउंस आने की संभावना है, तो फिलहाल तो एग्जिट नहीं करना चाहिए। बट चार्ट स्ट्रक्चर आप ब्रॉडली लॉन्ग टर्म के लिए देखें वो भी अच्छा ही लग रहा है, इसीलिए मैं मेरा जो दूसरा पॉइंट है कि उनको होल्ड करना चाहिए। आप वीकली या मंथली को देखेंगे, आप ट्रेंड जो शुरू हुआ है कुछ महीनों पहले अक्टूबर में शुरू हुआ है वो अभी भी इंटैक्ट है, और इसीलिए होल्ड करना चाहिए उनको। तो IEX को होल्ड करके चल सकते हैं। पल्लव हल्दर जी का सवाल है कोलकाता से, RVNL 829 शेयर के पास 185 रुपये के भाव पे, एक शानदार तेजी दिखाई पिछले साल हमने RBL में देखी थी, शर्मिला क्या राय होगी आपकी? दिक्कत यही रहती है इन स्टॉक्स में कि हालांकि पिछले साल मोमेंटम इनके फेवर में था, और जिस तरह से रेलवे की बातें हो रही थी, ऑर्डर्स की बातें हो रही थी, इस वजह से ये सब स्टॉक्स ऊपर गए। लेकिन एक ही चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इन सब जो ये जो सब बातें हैं उनको बॉटम लाइन में ट्रांसलेट होने के लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। तो उस लिहाज से अगर आप प्रॉफिट बुक आउट करना चाहें तो, क्योंकि आपका बाइंग का लेवल काफी ऊपर है, नहीं तो आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा, और इसमें कम से कम आपको और 2-3 साल इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, बिकॉज यू नो आई थिंक दैट मोमेंटम प्ले मे स्विच दिस ईयर। अगर इसी में मोमेंटम रहता है तो आपके इस साल भी पैसे बने बन सकते हैं, बट फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव मेरे लिए ये थोड़ा स्टॉक एक्सपेंसिव हो गया। तो पल्लव जी सीधे तौर पे आपके लिए राय है कि आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक के लिए जो भी हो रहा है थोड़ी देर में शर्मिला को स्टॉक्स बताएंगे VIP का, आप उसमें स्विच कर जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर, उसमें ज़्यादा बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है, कि वैल्यूएशन शर्मिला को ठीक नहीं लग रहा है, और सामान्य तौर पर कोई वैल्यूएशन को लेकर अगर शर्मिला खराब सवाल खड़े करती हैं या थोड़ा चिंता जताती हैं तो फिर उन शेयरों में तेज़ी रुक जाती है। दीपक कुमार, आप मैं बैक टू बैक 2-3 सवाल और PSU स्टॉक से पूछूंगा शर्मिला आपसे ही। दीपक कुमार का सवाल है पुणे से, EIL पे 1454 शेयर के पास 198 रुपये के भाव पे, क्या राय होगी आपकी? सॉरी, इंजीनियर्स इंडिया। या इंजीनियर्स इंडिया मेरे हिसाब से यू नो, जैसे कि मैं अभी जिक्र कर रही थी PSU स्टॉक्स का, ये भी एक बहुत नीश कंपनी है और आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये वो मोमेंटम वाला स्टॉक है नहीं, लेकिन एज अ कंपनी काफी अच्छी है, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। आम PSU स्टॉक्स जो 2-3 आए हैं ना, मैं आपसे सीधे बैक टू बैक पूछ रहा हूँ, देखो PSU स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिली। ललित कुमार जी का सवाल है, IOC पे 365 शेयर है 92.60 रुपये के भाव पे, काफ़ी अच्छे भाव पे उन्होंने लिया है। हमने देखा OMC स्टॉक्स में कई दशकों तक तेजी नहीं आई थी, और पिछले साल देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, क्या राय हो गया IOC को लेकर आपकी? मेरे हिसाब से उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इसलिए मेरी इसके लिए मेरी दो वजह है।
ये बात बिल्कुल सही है कि फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव एंटरप्राइज वैल्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये सब कंपनीज जो है वो बहुत बेहतर है, लेकिन एक ही चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये साल ये कमोडिटी बहुत सेंसिटिव है क्योंकि अपने काफी इकोनॉमिक पैरामीटर्स इससे टाइड है और ये साल अपना इलेक्शन का साल रहेगा, तो ये हो सकता है कि जो क्रूड हम खरीदते हैं उसमें कट्स वगैरह देख सकते हैं, प्राइस कट्स जो एज अ कंज्यूमर हमारे लिए अच्छे रहेंगे लेकिन एज अ कंपनी IOC के लिए शायद इतने अच्छे नहीं रहेंगे। और आपने इतने अच्छे रेट में लिया है तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक कीजिए, घर लेके आइए, पैसों का एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए, ये शर्मिला की राय आती है। एक सवाल और है, लास्ट जल्दी से बताइएगा। NFL पर सवाल है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पे सुमित का सवाल है, 850 शेयर के पास 101 रुपये के भाव पे, शर्मिला क्या राय होगी? मेरे हिसाब से बने रहिए, ओवरऑल आई थिंक फर्टिलाइजर्स के लिए ये ठीक ठाक समय है। उसी तौर पर बने रहने के सवाल, एक सवाल और मैं लेता हूँ, उत्तम का सवाल है NBCC पे, 3700 शेयर 87 रुपये के भाव पे, मेरे हिसाब से वंस अगेन बने रहिए। ये जो पूरा सेक्टर है उस पर मैं पॉजिटिव हूँ, जिस तरह की ऑर्डर बुक्स है, जिस तरह के वैल्यूएशन है, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए। जैसे मैं बिना देरी किए बात करते हैं VIP स्टॉक्स की। राहुल आपके तरफ से VIP स्टॉक्स कौन सा होगा? तो मेरे तरफ से एक्चुअली मार्केट थोड़ा सा हाई पे है और सिचुएशन जो बाय ऑन डिप्स था वो थोड़ा चेंज हो रहा है, तो थोड़ा कॉशियस होके एक लार्ज कैप में LNT पे मैं बाय सजेस्ट कर रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, टारगेट जो इस ट्रेड का होगा 3700 पे होगा, 3700 एंड सेकेंड टारगेट 3900 के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं, तो मेरा बाय है LNT में। टेलेंटी में खरीदारी करने की सलाह, यहाँ से मजबूती देखने को। टारगेट क्या बताया एक बार राहुल, फिर से बता देंगे? 3700 है पहला टारगेट और सेकंड टारगेट जो है 3900 है। 3900 3700 का टारगेट लगाना होगा, 3400 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। शर्मिला आपके तरफ से कौन सा शेयर होगा? वेल कोइंसिडेंटली मेरा स्टॉक भी लार्सन है और मैं आपको ब्रीफली मेरी वजह समझा देती हूँ। मेरे हिसाब से स्टॉक 2800-2900 था जब उन्होंने ये बात कही थी कि दे आर बिडिंग फॉर सम लार्ज ऑर्डर्स, और आज या कल मेरे हिसाब से इस तरह के अपडेट्स है कि दे आर क्लोज, दे कम क्लोज टू क्लोजिंग दोज ऑर्डर्स, और ये जो ऑर्डर्स है उनकी साइज है वो काफी बड़ी है, सो आई थिंक दिस विल चेंज थिंग्स फॉर LNT क्वाइट सिग्निफिकेंटली, और इनके मार्जिन भी यहाँ से इम्प्रूव हो सकते हैं, और ओवरऑल अगर आप उनका ऑर्डर बुक देखेंगे, और नॉट जस्ट लार्सन, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल गुड स्पेस कंपनी आज आपने देखा होगा कि सभी चल चुकी है, whether it's a Siemens, ABB, और मुझे लगता है अब BHEL के लिए भी यही मेरी राय रहेगी। वैल्यूएशन कम्फर्ट नहीं है वेरी ऑनेस्टली, लेकिन क्योंकि ये ऑर्डर विन्स आ रहे हैं और इनके ऑर्डर बुक्स इतने बड़े हैं, आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पर खरीदने का, फॉल्स पे ये स्टॉक खरीदने का सोच सकते हैं। मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 4,400 की करीब का है। टेलेंटी में खरीदारी करने की सलाह, 4200 तक का लक्ष्य होगा 18 महीने के लिहाज से, और राहुल ने भी खरीदारी करने की सलाह दी है, उन्होंने ट्रेडिंग नजरिए से खरीदारी करने की सलाह दी है, 3700 का उन्होंने लक्ष्य बताया है। शर्मिला आपकी तरफ से एक और कोई शेयर? यस, एथर इंडस्ट्रीज, दिस इज अ स्टॉक इन द केमिकल स्पेस, और यहाँ पर भी कुछ महीने पहले उन्होंने बात रखी थी कि जो पॉलीओल्स एक नया स्पेस है वहां पर उनका सऊदी अरामको के साथ एक उन्होंने करार किया था और अब वो कमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ गया है, तो इसमें इनके रेवेन्यू में काफी बढ़त होगी। ये प्रोडक्ट भी अपने में नए तरह का है और इसके दौरान स्टॉक में काफी हमने गिरावट देखी थी फॉर डिफरेंट रीजंस, आई थिंक रिजल्ट्स बहुत खास अच्छे नहीं थे, फिर उनके एक फैक्ट्री में आग लग गई थी सूरत में, सो द स्टॉक हैज करेक्टेड। सो गिवन ऑल दैट एंड गिवन कि अब ये करार हुआ है और ये कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आप मेरे हिसाब से एथर इंडस्ट्रीज ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। My 18-month target is 1100, but honestly, I think that's a very conservative target. इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने के सलाह, 1100 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं, 18 महीने का नजरिया है। राहुल आपका शुक्रिया और शर्मिला आपका बहुत शुक्रिया। समान तौर पे आप रैपिड फायर राउंड की तरह सब जवाब नहीं देते, लेकिन आज आपने जो है मेरे निवेदन करने पर आपने जवाब दिया, तमाम दर्शकों के बहुत सारे दर्शकों के सवाल थे उनको आपने उनके जवाब दिए, शुक्रिया आप दोनों का। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। उम्मीद करते हैं कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा उतार चढ़ाव कल भी देखने को मिल सकता है, कल पर नज़र होगी, लेकिन आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।